टफ क्वेश्चन होगा शायद आपके लिए, आप जवाब देना चाहें तो आप दे सकती हैं. When men can have a sex with so many girls, why can't a woman? She can, she should, and she can. Yeah, how can you change the society? How can every girl, कुछ करे वो like society में कि वो society को change करे? See, मैं ये नहीं बोलूँगी that every woman should now go around and have sex freely. ऐसा नहीं. But it's her life. It's her body. It's her life. She has to make mistakes in life to learn from those mistakes. हम अपनी गलतियों से ही आगे सीखते हैं. And actually life में कोई mistakes नहीं होती हैं. There are only learning lessons. Yeah. आप अपना lesson learn करो, lesson learned, and then you move up further. हर रोज आप एक नई चीज़ सीखते हो, नई गलती करते हो, तभी इस चीज़ सीखते हो ना. नई चीज़. गलती नहीं करोगे तो सीखोगे क्या? ये चीज़ें दोनों को ही लेके चलो आप, men को भी और women को. ये नहीं कि सिर्फ वुमेन के ऊपर एक टबू है कि नहीं शी कैन नॉट हैव सेक्स विद मेन और शी कैन नॉट हैव मल्टीपल पार्टनर्स, बट जब अगर मेल के हो सकते हैं तो उसके. बट नाउ बोथ को दे शुड नो व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स बैड फॉर देम. दे शुड नो व्हाट थिंग्स आर वर्किंग फॉर देम एंड व्हाट थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर देम. वुमेन को एक तो हम बहुत पीरियड्स में वर्कआउट नहीं करना चाहिए, प्लस प्रेगनेंसी पे वो वर्कआउट नहीं करती हैं, अवॉइड करती हैं. प्रेगनेंसी पे वर्कआउट करना, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना, और पीरियड्स पे वर्कआउट करना, फिटनेस पे ध्यान देना कितना ज़रूरी है, और ज़रूरी है या नहीं, या नहीं भी? Depends on a person to person, depend on women to women. कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट टू डेज, तो उस टाइम अगर उनको डिफिकल्टी होती है तो दे शुड बी अवॉइडिंग डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज एंड दे शुड टेक इट ईजी एंड टेक रेस्ट. बट अगर आप कुछ लोग होते हैं जो एब्सोल्युटली नॉर्मल होते हैं, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो दे कैन डू एनी थिंग दे वॉन्ट टू. But I would still advise that you take rest for the first 2 days. After okay. Rest karlo, it will be good. During that time, after the exercise, heavy exercise. Periods ke time pe na? Periods ke time pe na. Heavy exercises thoda avoid karo. But depends. Agar aap, if you're normal, if you can take it, it's okay. But phir bhi still, you should not be doing heavy weights or heavy exercises or during your periods time. Okay. Aur pregnancy ke andar? प्रेगनेंसी के अंदर यू कैन गो अप टू 8 months तक आप एक्सरसाइज करो अच्छी तरह से. एक्सरसाइज कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी में, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है. फॉर इजी डिलीवरी यू शुड बी एक्सरसाइजिंग टिल द लास्ट ट्राइमेस्टर. क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर फैमिली जो होती हैं वो ये बोलती हैं अब प्रेगनेंट हो गया हो घर बैठ के रेस्ट करो. ये चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे बोलते हैं, बट आजकल तो मेरे ख्याल से जो मदर इन लॉज हैं वो थोड़ी ज़्यादा अवेयर हैं, क्योंकि वो लोग अब सारे लोग तो वर्किंग हैं मोस्टली. इफ़ यू टॉक अबाउट हमारे अर्बन सिनेरियो को देखा जाए तो घर में सारी लोग वर्किंग ही हैं, तो आई थिंक दिस विल ऑल्सो चेंज दैट यू नो कि हमें पीरियड्स के टाइम पे मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे वर्कआउट करना चाहिए. एंड यू नो यू शुड बी सब लोग इतने कॉन्शियस हैं, ऑल गर्ल्स आर सो कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, अबाउट कि वो मोटे ना हो और बिल्कुल शेप में रहें. सो मेनी अब आई हार्डली कम अक्रॉस समबडी हु डजंट वांट टू बी फिट. ओके ओके, अब मेरे को आप ये बताइए कि फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए, जो अगर आपको एक मौका मिले तो आप वो फिटनेस इंडस्ट्री में वो चीज़ चेंज करना चाहती हो? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे को चेंज करने का, जो मेरे को बहुत ज़्यादा अगर मेरे को मौका मिले तो मैं ये कहूँगी कि जब हम ट्रेनर्स हायर करते हैं अपने जिम में, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो एजुकेटेड और सर्टिफाइड ट्रेनर्स हों. क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली जिम्स में जो ट्रेनर्स होते हैं वो लोग उन लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता है, और बहुत सारे इंजरी केसेस हो जाते हैं जिम में. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये चाहती हूँ कि यू नो ट्रेनर अगर जिम में हो तो वो सर्टिफाइड हो. नंबर टू मैं ये चाहती हूँ कि सब भी जिम्स में ये पर्सनल ट्रेनिंग वाला सिस्टम बिल्कुल बंद हो जाए. बंद अगर पर्सनल ट्रेनिंग वाला सिस्टम बंद हो जाएगा तो फिर जिम का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? मैं बताती हूँ. हम लोग इसकी हमने जिम बनाया था हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, बट इट इज़ नाउ बिकम अ बिजनेस. इट इज़ जस्ट अ बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी. सी अगर बिजनेस नहीं करेंगे लोग तो वो इस इंडस्ट्री में आएंगे क्यों?
इस इंडस्ट्री में आने का एक रीजन है. देखो अगर बड़े बड़े जिम खोलने हैं किसी ने तो फिर इंडस्ट्री में आने का मतलब ये है कि आप बिजनेस भी करो साथ में लोगों को फिट भी करो. हाँ सो मैं आपको बताती ना क्योंकि मोस्टली ट्रेनर्स क्या करते हैं जब उनको वो लोग क्लाइंट्स को पोटेंशियल कस्टमर्स की तरह देखते हैं और उनको उस तरफ तभी अच्छा वर्कआउट कराते हैं जब उनको पता होता है कि ये इधर से हमें PT मिल जाएगी और इधर से हमारे को रेवेन्यू गेन्स हो जाएंगे और इससे वो. पर मैं ये चाहती हूँ कि यू नो ये PT सिनेरियो ख़त्म, एजुकेटेड ट्रेनर्स हो और जो PT सिनेरियो ना ही सिर्फ PT के लिए ही एक इंस्ट्रक्टर एक ट्रेनर अपने क्लाइंट को ना देखे बट प्रॉपर वर्कआउट के तरह उसको क्लाइंट को. तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर अपने क्लाइंट्स को अच्छे से देखे, अच्छे तरीके से मतलब पूरा ध्यान दे. अगर वो लेना चाहता है PT तो वो ले सकता है, इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं. मेरे को ये मैं ये चाहती हूँ कि PT टाइमिंग्स ही ऐसा हो कि अगर वो वाले टाइम पे जनरल पब्लिक ना हो PT मतलब एक एक एक, एक बंद. तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर पीक पीरियड है तो PT का सिस्टम नहीं होना चाहिए और अगर पीक पीरियड के उसके अलावा वो PTs का आप रख सकते हो. यस ओके यस ठीक है. और आप क्या चेंज चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर? और मैं ये चाहती हूँ जैसे अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी हमारे लाइसेंसेस हैं एरोबिक्स को लेके, जैसे हमारा ये जुम्बा लाइसेंस को ही देख लो, मैं ये चाहती हूँ कि जुम्बा लाइसेंस आपको मिले बट आपका कोई एग्जाम हो, कोई स्क्रीनिंग हो. ओके तो जुम्बा आपने कितना सीखा या आप कितने कैपेबल हो जाके बाहर मार्केट में जाके क्लासेस लेने के लिए, आप एक्चुअली आपका बैकग्राउंड है भी कि नहीं. देर शुड बी सम काइंड ऑफ अ स्क्रीनिंग. ये नहीं कि कोई जो जिसने वो 18 साल का है उसने 12 करा है कॉमर्स में और उसको कुछ नहीं पता है बॉडी के बारे में, ना उसने कभी कोई पढ़ाई करी है और वो गया और उसने जुम्बा दो दिन का कोर्स करा एंड देन ही इज़ बिकम अ जुम्बा इंस्ट्रक्टर एंड ही इज़ इन द मार्केट टू टेक रेडी टू टेक क्लासेस फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मंथ में भी प्रैक्टिस करके नेक्स्ट मंथ से वो जुम्बा. बल्कि उसको कोई आई थिंक ये आपका बहुत ही वैलिड पॉइंट है. मेरे हिसाब से अगर यू नो आप हर चीज़ में एक सर्टिफिकेशन है जहाँ पे आप 3-3 महीने की पढ़ाई करते हो फिर आपका एक एग्जाम होता है. फॉर एन एग्जाम्पल इंडियन स्किल्स वाले भी ऐसे एग्जाम्स लेते हैं, प्लस लेसमेंट्स वाले भी एग्जाम लेसमेंट्स वाले भी लेते हैं लेसमेंट्स वाले भी एग्जाम लेते हैं प्लस यू नो काफ़ी जगह पे आपके ACE हो गए, ACSM हो गए, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हो गए, हर जगह एग्जाम्स होते हैं. आप 3-3 महीने की पढ़ाई करते हो बट हाँ मैंने तो कभी सोचा नहीं था इस बारे में. जैसे अब आप एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर हो, आपकी क्लास में 5 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा भी आ सकता है, 20 साल का जवान भी आ सकता है और 60 साल की कोई लेडी भी आ सकती है. तो आप उनको कैसे एक ही क्लास में कैसे उनको बिना ध्यान दिए या बिना आपको पता नहीं है कि कैसे कितनी इंटेंसिटी पे मुझे कराना है और मैं कैसे जज करोगे आप? How will you judge? How will you take a class where you have so many people? You have to take care of everybody. But हम तो ये बोलते हैं ना डांस क्लास है तो हम सर आएंगे और डांस करेंगे चले जाएंगे. एक number one. Zumba is a fitness program. Okay. It's based on dance. Yes, there is dance, but it is not entirely dance. Okay. There is also science. हमारे को एक महीने में हमारे को दो महीने में इनफैक्ट हमें 10 या 13 कोरियोग्राफीज मिलती हैं जो हमें लर्न करनी होती है और हमें अपने क्लास में सिखानी होती है. तो हमें वो 13 ही क्यों देते हैं? अगर ऐसे इतना सिंपल है करना, डांस कराना इतना सिंपल है तो हम तो 50 कर सकते हैं बट हमें 13 क्यों मतलब? बिकॉज वो एक उस टेम्पो पे बनाई है. जैसे अगर एक हाई इंटेंसिटी सॉन्ग है तो एक मीडियम इंटेंसिटी होगा, एक लो इंटेंसिटी होगा, हाई मीडियम लो ऐसे करके पूरा हमारे को कोरियोग्राफी और डिफरेंट रिदम्स होती हैं जिसके ऊपर हमको पूरी कोरियोग्राफी हमें मिलती है और वो भी वो लोग फॉलो नहीं करते. ओके वो भी लोग उसको भी उधर भी लोग वो फॉलो नहीं करते. लोग बॉलीवुड कराते हैं क्लासेस में जाके, सिर्फ बॉलीवुड कराते हैं तो इन बिकम्स अ डांस क्लास एंड दैट इज व्हाई यू नो सब लोग सोचते हैं जुम्बा इज. तो अगर जुम्बा इज अ फिटनेस प्रोग्राम तो आई गेस उसका एग्जाम होना चाहिए फिर तो. ऑफ कोर्स इट शुड. और अगर उसका एग्जाम नहीं होता है तो फिर तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से गलत प्रोग्राम हो गया ना. अगर फिटनेस प्रोग्राम है उसका एग्जाम ही नहीं हो रहा आपका, मतलब फिटनेस तो पता तो हो ना कैसे आप क्या आपने कितना सीखा है, आप कितना जानते हैं बॉडी की एनाटॉमी के ऊपर, एनाटॉमी के बारे में, तभी तो आप एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर, तभी तो आपके नाम के आगे इंस्ट्रक्टर वर्ड आएगा. अगर इंस्ट्रक्टर वर्ड आपको लेके आना तो आपको एक एग्जाम देना चाहिए. ये चीज बहुत ही आपका वैलिड पॉइंट है. ये चेंज लाना चाहती हूँ और एक मैं ये चाहती हूँ लोग ये समझें कि फिटनेस
इज नथिंग टू डू विद द बॉडी, आपकी कैसी बॉडी दिखती है. वो आप ये मत सोचो कि अगर कोई बंदा थोड़ा वाइड है तो उसको मतलब वो फिट नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. फिटनेस इज हाउ फिट, व्हाट काइंड ऑफ अ डिसीजन यू टेक ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. फिटनेस इज दैट मेरे हिसाब से. फिटनेस इज अ फ्रेम ऑफ माइंड. आप 24 घंटे आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में बैठते हो, दैट इज फिटनेस. आप फिटनेस करते हो, आप सोचते हो कि डंबल उठा के मेरे को गोल गोल. आपका गोल क्या है, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, दैट इज फिटनेस. इट इज नॉट द शेप ऑफ द बॉडी. कुछ लोग होते हैं जैसे जिन लोगों के माइंड होता है जिनको ये चाहते हैं कि दे वांट टू बिकम बिग एंड दे वांट टू हैव बिग मसल्स. कई लोग चाहते हैं दे वांट टू बिकम लीनर. कई लोग चाहते हैं कि दे वांट टू बिकम स्लिमर. बट वो भूल जाते हैं कि फिटनेस एक्चुअली क्या है. फिटनेस इज द वे ऑफ लाइफ. हाउ गुड यू आर, वॉट आर यू फ्रॉम इनसाइड, हाउ फिट यू आर. नॉट फिजिकली बट मेंटली. ओके, इट इज मोर ऑफ मेंटल थिंग रादर देन फिजिकल थिंग. एक बंदा जो एक करेक्ट डिसीजन ना नहीं ले पाए या कोई अपनी टाइम मैनेजमेंट ना कर पाए, सारा दिन स्ट्रेस रहे और जिम में जाके डंबल उठाए, तो उसको हम फिट थोड़े ना बोलेंगे. ओके, फिट तो उसी को बोलेंगे ना जो सही टाइम पर अपना टाइम मैनेजमेंट भी सही से कर रहा है, स्ट्रेसफुल भी नहीं है, खुश रह रहा है, उसके आसपास नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी है, लोग उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, औरों को भी दे रहा है पॉजिटिविटी, और लोगों को भी पॉजिटिविटी दे रहा है, तो दैट पर्सन इज अ फिट पर्सन. उसकी बॉडी कौन देखेगा, उसकी सिर्फ उसका देखेंगे वाओ यार उसके साथ बैठ के मजा आ गया, यू नो आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम. ओके, तो आई थिंक दैट इज फिटनेस. दैट इज फिटनेस एंड दैट इज ट्रू फिटनेस. या द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ फिटनेस. ओके ओके नीतू जी, जाते आते हम आपसे यू नो चाहेंगे कि आप अपने हमारे ऑडियंसेस को बताइए आपका विजन क्या है, आपका दुनिया को लेके विजन क्या है और आप क्या चाहती हैं और आप किस चीज़ पे चलती हैं लाइफ में तो इतनी सक्सेसफुल हैं. मैं सब लोगों को सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि अपने लाइफ में खुश रहो, खूब काम करो. देर इज़ नो शॉर्टकट्स टू यू नो सक्सेस, ओनली हार्ड वर्क. यू हैव टू हार्ड वर्क, देर आर नो शॉर्टकट्स. आप अपना हार्ड वर्क करते रहो और अच्छा जो भी काम करो अपना 100% देके काम करो. आप 50% 20% देके काम मत करो, आप अपना 100% दो. उसके बाद आप चिंता छोड़ दो कि उसके बाद मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा. चिंता छोड़ दो, देर शुडंट बी एनी स्ट्रेस. इफ आप बस अपना काम करो and then you will see that nothing will hold back, everything you will get back, everything will come fall in place right on time. But if only if you are focused, if you know what you want in life and what you are going for, aap kiske liye kya achieve karna chahte ho life mein, agar aapke wo funda clear hai to there is no stopping everything, then you are a successful man. Success ki kya definition hai aap mujhe batao. मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए होगा तो मैं बोलूँगी नहीं मेरे पास 2 करोड़ होने चाहिए, नहीं मेरे को 4 करोड़ होने चाहिए. आज मैं पैसा होना सक्सेसफुल होना नहीं होता. मतलब अगर चलो मैं मेरे को मेरे इतने फॉलोअर्स हैं तो मेरे और होने चाहिए. सो यू ऑलवेज यू नो एस्पायर टू गेट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर. सो देर इज नो एंड, दिस इज आई से दैट देर इज नो एंड. सो इन माई ओपिनियन सक्सेस इज you have to live life king size. Okay, keep everybody around you happy. You do your work with 100%, give your 100% in whatever you do. And love everyone around you and spread positivity around you. That's obviously agar aap positivity aapke andar hogi to aap auron ko positive feel karaoge. यू नो अब ऐसा लगेगा लोगों को आपके साथ कि मज़ा आ रहा है रहने पे. इट्स नॉट अबाउट कि यू नो आपके पास हर चीज़ है लेकिन आपके पास पॉजिटिविटी देने को नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो. एब्सोल्युटली. नीतू यार सीरियसली मज़ा आया आपके साथ इंटरव्यू करके. यू आर रियली गुड एंड दैट्स रियली नाइस थॉट. And I have no words for her. She is just so amazing. She has such vibrant vibes and she's so energetic. I love her classes. So what I love about Neetu is her zeal, her passion, her love, her fondness for Zumba.
she brings lots and lots of energy in Zumba sessions, and I just love doing workout with her. You has made me fall in love with Zumba. I never knew dancing could be so much fun. I totally love her, adore her, and her passionate and energy is amazing. I think she's the best Zumba teacher I have ever come across with. So she's amazing. She's a motivator. She literally takes care of each and every person in the class. And she takes out the stigma of people that Zumba is so feminine and has to be only for women, but it is not. It is completely for men, and definitely I'm here. I've been coming out of this gym for about 2 years now, and I love this class, especially with Neetu. And I've been around the world. I've attended a couple of Zumba classes around, and it was not as much fun as this. And I tell you, I'm really thankful to have Neetu for us. And yeah, I would enjoy, and I would be looking forward to come back to the classes more often. Thank you. So guys, har video ke end mein main yahi bolta hu sabko. Be colorful. Be honest. Be fit. Live your life, live your passion. This is your own life, and go out, live everything, live every moment. Thank you. Bye-bye. Okay guys, if you like our video, please press the like button and subscribe. और गाइस अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें और प्लीज़ डू कमेंट. अगर आप कमेंट करोगे तभी मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से मिला पाऊंगा, इनके जो थॉट प्रोसेस है आपको सुना पाऊंगा, ताकि आप अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए, एक अच्छा बनाने के लिए, फिट बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो अपने साथ, वो सब आपको सुनने को मिलेगा. और जब आप वो चीज़ सुनोगे तो आप अपने आप को भी अच्छा कर सकते हो. थैंक यू गाइस, लव यू एंड लिव योर लाइफ मैन. टेक केयर. बाय बाय.